हेलो एवरीवन, दिस इज राजन हियर फ्रॉम इक्यूनिटी सर्विसेज। आज के वीडियो में हम ये देखेंगे कि कैसे आप आपके वीडियो में टैग्स डाल सकते हैं और ये टैग्स डालने से आपको फायदा क्या होगा वो भी हम देखेंगे। तो अगर आपको आपके चैनल के वीडियो में टैग्स डालना है तो पहले youtube.com पे चले जाइए। ये फिर यहाँ पे आपको राइट कॉर्नर में आपका लोगो दिखता होगा चैनल का, उस पर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे यूट्यूब स्टूडियो करके है, उस पर क्लिक करिए। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में आप YouTube स्टूडियो में आ गए। अभी वीडियोस पे क्लिक करिए। यहाँ पे अभी आपके जितने भी वीडियो आपने अपलोड किए हैं या जो पब्लिक में है, अनलिस्टेड में है, वो दिखाएंगे। इसमें से जो वीडियो आप एडिट करना चाहते हैं और उसमें टैग्स डालना चाहते हैं उस पर क्लिक कर दीजिए। तो मैं इस पर टैग डालना चाहता हूँ, तो मैं इसे क्लिक करता हूँ। फिर मैं नीचे आऊंगा। अभी ये जो टैग रहता है ये बेसिकली गूगल को बताता है कि कौन से कीवर्ड के लिए ये वीडियो बना हुआ है। तो जब भी आप टैग डालेंगे तो आप मेक श्योर करिए कि जो कंटेंट आपने आपके टाइटल में डाला है वो उससे रिलेटेड कुछ चीजें टैग में हो। जैसे अभी ये मेरा जो वीडियो है वो किसके लिए है कि हाउ टू अपडेट एड ऑडियंस फ्रॉम फेसबुक एड मैनेजर। तो मैं क्या करूंगा कि ये जो मेरा टाइटल में कंटेंट है, अभी मैं यहाँ पे टाइटल में ये भी डाल सकता हूँ कि ऑडियंस टारगेट, ऑडियंस ऑडियंस इन, ऑडियंस इन फेसबुक एड्स। तो टाइटल में मैंने ये दो चीज डाल दिया। अभी ये जो मैंने टाइटल में मेरे कंटेंट डाले हैं वो सब चीजें मेरे टैग में एटलीस्ट आनी ही चाहिए। प्लस मेरे टैग में वैसा भी चीज होना चाहिए जिससे जो लोग सर्च करते हैं। तो अभी ये मुझे कैसे समझेगा कि क्या लोग यूट्यूब पे सर्च करते हैं? तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे मैं एक टैब में ओपन करके आपको दिखाता हूँ। तो मैं YouTube पे जाऊंगा और यहाँ पे मैं डालूंगा हाउ हाउ टू अपडेट ऑडियंस ऑडियंस ऑफ फेसबुक। तो देखिए ये लोग सर्च करते होंगे, तो फेसबुक एड्स ऐसे लोग सर्च करते होंगे। तो ये मेरा टाइटल हो सकता है और ये मेरा टैग का भी कंटेंट हो सकता है। इसे लॉन्ग टेल कीवर्ड बोलते हैं। जितना ज्यादा आप ये चीजें यूज करेंगे उतना ज्यादा बेनिफिट रहेगा। फिर यहाँ पे मैं वैसे भी डाल सकता हूँ कि ऑडियंस ऑफ फेसबुक। तो ये भी लोग टारगेट ऑडियंस ऑफ फेसबुक। फिर उसके बाद में ये सब अगर मैं मेरे टैग में डालूंगा तो लोग ये चीजें सर्च करते हैं। तो जितना ज्यादा आप ऐसे चीज यूज करेंगे उतना ज्यादा आपको बेनिफिशियल रहेगा, जैसे ऑडियंस फेसबुक एड मैनेजर। फिर उसके बाद में तो ये मुझे यहाँ से समझ में आ जाता है कि क्या लोग ज्यादा सर्च कर रहे हैं, वो सब चीजें मेरे टैग में होना चाहिए। तो ये मैंने डाल दिया। फिर मैं ये डाल दूंगा कि फेसबुक ऑडियंस, फेसबुक टारगेट ऑडियंस। ये जितना ज्यादा मैं टैग में जो लोग सर्च करते हैं उतना ज्यादा चांसेस होगा कि मेरा कंटेंट ऊपर दिखे। तो आप जब भी टैग में कंटेंट डाल रहे हैं तो थोड़ा R&D कर लीजिए कि क्या कंटेंट लोग सर्च करते हैं आपके वीडियो रिलेटेड, और वो सब चीजें टैग में डालिए। जितना ज्यादा आप डालेंगे उतना बेनिफिशियल आपको होगा। तो यहाँ पे जो अलाउड नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है वो 500 है, तो आप इसे पूरा यूटिलाइज करिए और इसके अंदर जितना ज्यादा हो सकता है उतना ज्यादा कंटेंट डालिए, क्योंकि इसी की वजह से आपका वीडियो का रैंकिंग बढ़ेगा और CTC भी बढ़ेगा। मतलब क्लिक थ्रू रेट करके एक चीज रहता है जो बढ़ेगा। तो आप मेक श्योर करिए कि टैग आप प्रॉपरली अपडेट करें जो भी आपके वीडियोज है उसका। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।